सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रेमोन, चाहे आप उसका 3GB वेरिएंट ले लें, चाहे 4GB वेरिएंट ले लें, चाहे 6GB वेरिएंट ले लें, तीनों में ही एक अपडेट आ गई जो कि आज 15 नवंबर 2018 को आई है। तो मैं आपको ये अपडेट दिखा दूँ तो आप इसका देख सकते हैं इन शॉर्ट कि इस अपडेट में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या फीचर्स, क्या क्या बग्स हमें इस अपडेट करने के बाद देखने को मिलते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करिए। मैं ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस लाता रहता हूँ, अपडेट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आपको मेरे चैनल पर आसुस से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप एक बार जाके विजिट ज़रूर कर लीजिए। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, हम लोग लौटे अपने स्क्रीन पे, वापस अपने वीडियो में आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑफिशियली EIS इनेबल हो गया है कैमरा। इसका साइज जो है, पहले क्या होता था कि हमको जब EIS यूज करना होता था तो हाल ही में हमें अपडेट के थ्रू और इसका जो बिल्ड नंबर है वो 0.33 डेवलपर मोड में हम EIS को यूज कर पाते थे हमको मिलने वाले, लेकिन अब हमें ऑफिशियल EIS मिल गया, EIS सपोर्ट मिल गया है। जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में जाएंगे तो वहाँ पे आप EIS को इनेबल कर सकते हैं। सेकेंड फीचर की बात करें तो यहाँ पे हमें लाइव वॉलपेपर फीचर मिल गया है, जो हम पहले हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि हम लाइव वॉलपेपर को यूज नहीं कर पाते थे, उसे यूज करने में हम अनेबल थे। तो लेकिन अब हम उसे यूज कर सकते हैं, लाइव वॉलपेपर फीचर को हम यूज कर सकते हैं और अपनी स्क्रीन को काफ़ी ज़्यादा बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं। जब हम ब्लूटूथ मोड ब्लूटूथ लगाते थे तो हमें जो रिंगटोन इशू था, रिंगटोन प्रॉब्लम थी, वो फेस करने को मिलती थी वाइल वी आर आंसरिंग द कॉल्स। तो इस अपडेट में हमें ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है हमारे लिए। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आसुस हम सभी लोगों की बातें सुन रहा है और सभी को इक्वली देखते हुए सबके लिए कुछ ना कुछ नया ला रहा है और सबकी प्रॉब्लम्स को सुझाव दे रहा है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, वाईफाई कंपेटिबिलिटी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगी। जो वाईफाई सपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल किया जा रहा है और स्पीड उसकी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हो जाएगी इस अपडेट के बाद। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही थी FM रेडियो की, तो जो लोग FM रेडियो यूज करते थे उन्हें पता होगा कि क्या उसके साथ प्रॉब्लम आती थी और काफ़ी इरीटेट करती थी जब हम FM रेडियो यूज करते थे, लेकिन इस अपडेट के बाद वो भी फिक्स कर दी गई है और हमारी इरीटेशन को कम कर दिया गया है। तो इस अपडेट में हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं और साइज़ को देखते हुए जो कि बहुत ही कम साइज़ है और इतना अच्छा फीचर इस अपडेट में हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी कैमरा की अपडेट देखने को नहीं मिलती है एक्सेप्ट EIS। तो अपडेट करने के बाद देखते हैं कि बैटरी पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और क्या कैमरा पे इफ़ेक्ट आता है, वो सारा क्लियर कर दूंगा मैं इस वीडियो में। तो गाइस अपडेट को लगा देते हैं। सो गाइस, इस अपडेट को मैं इस अपडेट की फ़ोन के एक दिन यूज करता हूं और देखता हूं क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें इस अपडेट के बाद, क्या क्या बैटरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है और क्या नए बग्स आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बना के आपको दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है, सबसे पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो गाइस एट द लास्ट मैं फिर से बात करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को भी दबा दिए ताकि आप ऐसे ही मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ को पा सकें। तो तब तक के लिए गुड बाय, शिव टाटा और एन्जॉय करिए।